नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टूडेंट चैनल। आज हम टॉप 200 ज्योग्राफी क्वेश्चन के पार्ट टू के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 25 क्वेश्चन को देखा था, दूसरे पार्ट में आज हम देखेंगे 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें प्रीवियस ईयर के आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? जादूगौड़ा, तुम्माला पल्ली, पिछली या दलभूमि? तो जादूगौड़ा और दलभूमि दोनों झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित हैं, और तुम्मालपल्ली जो है यूरेनियम खदान ये भी है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और पिछली खदान जो है वो बिहार के गया में स्थित है। तो यूरेनियम खदान जो पहली यूरेनियम खदान थी ये वह थी जादूगौड़ा जो झारखंड के सिंहभूमि में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ए, जादूगौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? शरावती नदी जो है पूरी तरह से जो कर्नाटक में बहती है, और ये प्रसिद्ध जोग प्रपात है जिसको हम लोग गोरसोपा प्रपात भी कहते हैं, इसी नदी पे स्थित है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? ठीक, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के हरित क्रांति के पिता हैं वो पहला ऑप्शन जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। तो अब इसमें क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। जो हरित क्रांति के पिता के अगर बारे में पूछेगा तो आपको नॉर्मन बोरलॉग करना पड़ेगा, क्योंकि जो विश्व में जो हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत के जो हरित क्रांति के पिता हैं वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, और वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के पिता के रूप में कहा जाता है। भारत के श्वेत क्रांति के जो पिता हैं वो वर्गीस कुरियन है, ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH1, NH2 और NH10। तो असल में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH44 है, जो पहले जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के नाम से जो है जाना जाता है। इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल? तो कर्नाटक भारत का जो है सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। ठीक है, इसके बाद जो केरल है, फिर तमिलनाडु, इन दोनों में जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन भारत में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? बाराटांग द्वीप, बैरन द्वीप, कार निकोबार, हेवलॉक द्वीप? ठीक है, इसका सही जवाब है बाराटांग द्वीप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? ब्यास, झेलम, सतलुज और रावी? तो ये चारों ऑप्शन जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, तो इसमें से कौन सी जो नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो इसका सही जवाब है सतलुज जो है मानसरोवर झील से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में जो है सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक, तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है झेलम नदी, या जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, माही, नर्मदा और ताप्ती? ठीक, तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। ठीक, और ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के जो है बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ठीक, और बेतवा जो नदी है वो विंध्य श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बीजांग बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोची बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह? ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, कोची बंदरगाह केरला में है। ठीक, मुंबई बंदरगाह मुंबई में है। अरब सागर की रानी जो है कोची बंदरगाह को कहते हैं। इसका सही जवाब है सी, और ये केरल राज्य में स्थित है, और ये नेचुरल बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है कोची बंदरगाह। ठीक है, केरल राज्य में स्थित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल? तो भारत की जो सभी सीमाएं जो हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल, इन सभी देशों के साथ लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है? उसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ वो जो करीब 4096 किलोमीटर जो है सीमा भारत की लगती है। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है? ठीक,
तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है राजस्थान में अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से होता है, ठीक है। अब यह नदी जो है कच्छ के रण में जो दलदल एरिया है वहाँ पर जाके वो समाप्त हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है लूनी नदी, ठीक। तो इसका सही जवाब है बी, कच्छ के रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चिरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। चिरिया लोह खदान इसका सही जवाब है झारखंड में खदान स्थित है, सबसे बड़ी लोह अयस्क खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट। तो सबसे अच्छा लोहा जो माना जाता है वो मैग्नेटाइट को सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हेमेटाइट आते हैं, लिमोनाइट, फिर उसके बाद से सीडराइट। गुणवत्ता धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये होता है, सबसे अधिक जो है अच्छा लोहा जो माना जाता है वो मैग्नेटाइट को माना जाता है। तो इसका सही जवाब है मैग्नेटाइट, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? इसका सही जवाब है हिंद महासागर में स्थित है, इंडोनेशिया के पास। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक रही थी? जनसंख्या दर नकारात्मक होने का यह मतलब है कि किस 10 सालों में भारत की जनसंख्या डिक्रीज की थी, उसकी जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो नेगेटिव चली गई थी, ठीक है। तो ये ऐसा पहली एक ही बार हुआ है, 1911 से लेकर 1921 के बीच में जनसंख्या दर का जो विकास दर था वो नकारात्मक रहा था भारत का। तब से जो है यह भारत की जनसंख्या का विकास दर वो हमेशा बढ़ता ही रहा है, पॉजिटिव ही रहा है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 1911 से लेकर 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या दर जो थी वो नकारात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक घंटे के अंदर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? जैसे कि हम जानते हैं एक डिग्री अगर देशांतर का चेंज आएगा तो उसमें 4 मिनट की अंतर हो जाता है, ठीक। तो ऐसे में अगर आप एक घंटे का अगर अंतर चाहते हैं, एक डिग्री में अगर 4 मिनट का अंतर आता है तो 60 मिनट के अंतर के लिए 15 डिग्री का अंतर चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 15 डिग्री जो है एक घंटे के अंतर के लिए चाहिए, ठीक। इसका सही जवाब है बी, 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कूच बिहार जो है पश्चिम बंगाल जिला में स्थित है, यहाँ पे जो है मोस्टली रेशम का उत्पादन यहाँ पे होता है। इसका सही जवाब है रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या दामोदर। तो फरक्का बांध तो जानना पड़ेगा सबसे पहले किस नदी पे है, तो यह गंगा नदी पे स्थित है फरक्का बांध, ठीक है। गंगा नदी पे, यह पश्चिम बंगाल में है मुर्शिदाबाद के पास, गंगा नदी के किनारे जो है ये बांध स्थित है, ठीक है। अब यह बांध जो है बांग्लादेश की सीमा से करीब 16-17 किलोमीटर के पास ही है। तो इस नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, फरक्का बांध के जो जल है। तो ये बांध जो है गंगा नदी पे स्थित है, इसका सही जवाब है गंगा नदी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो नूनमती स्थान है वो असम में स्थित है, ठीक है। असम के गुवाहाटी में यह स्थान स्थित है, ठीक। यह मोस्टली जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है यह स्थान, क्योंकि वहाँ पे इंडियन ऑयल की जो है तेल शोधक कारखाना जो है वहाँ पे स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा पेट्रोलियम उद्योग के लिए नूनमती नामक स्थान जो है जो असम के गुवाहाटी में है। तो इसका सही जवाब है पेट्रोलियम उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो है संकल्पना की गई थी। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो जर्मनी की कंपनी की सहायता से जो है बनाई गई थी 1961 में, और दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो स्थापना हुई 1956 में की गई थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी संकल्पना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात। तो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है वो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में है। कुल्लू मनाली जो हिमाचल प्रदेश में, उसके कुल्लू जिले में यह गर्म जल स्रोत है, ठीक है। यह पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। इस जल स्रोत की खासियत यह माना जाता है कि यहाँ पे जाने पे चर्म रोग का जो है उपचार होता है। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा।
तो इसका सही जवाब है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के पास जो है काफ़ी ऊंचाई पर ये दर्रा है, बनिहाल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ए, जम्मू कश्मीर। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जरूर मिल जाएँ।